गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेकिन ललित है एक बहुत ही कम अर्निंग का स्रोत है इसके घर में, बट पता क्या है, बहुत ही बढ़िया लड़का है। शूज नहीं, क्रेडिंग शूज नहीं है तो देने वाला वो है, वो किसी के लिए कमी नहीं रखता। मुझे याद है जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो मुझे स्पाइक्स की ज़रूरत थी। यशपाल शर्मा जी जो इंडियन टीम के मेंबर थे तब, उन्होंने मेरे को इनिशिएटिव लिया और मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब दिया। मेरे फादर साहब दिल्ली लेके गए थे मुझे स्पाइक्स दिलाने के लिए। स्पाइक्स जो वो नहीं मिले, क्वालिटी स्पाइक्स नहीं मिले। मिला, एक स्पाइक्स लिया तो 9 नंबर का स्पाइक्स में, मेरा 7.5 नंबर का पैर है। मुझे जैसे ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए पहला मैच खेला, 8 विकेट ली, यशपाल शर्मा जी ने पोनी का स्पाइक्स दिया। इट वॉज बैडली नीडेड क्योंकि मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, करीब 4-5 जुराब पहन के जो है मैं बॉल डालता था क्योंकि स्पाइक्स जो है वो 9 नंबर का था। तो लोग मदद करते हैं, मेरी बहुत मदद की गई है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों के साथ में रहूं और उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत बन सके मुझसे वो मैं करने की कोशिश करूं। बहुत बढ़िया दुनिया है, बहुत मददगार दुनिया है, लेकिन इस तरह के टैलेंट को हम ये मदद नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मोटिवेट करना। और ये है इस तरह का बच्चा, कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए। आप कैपेबल हैं और कैपेबल बनाने वाला ईश्वर है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ललित, आप अच्छा कर रहे हो। झुकने की जरूरत नहीं है, खुदा के सामने झुकना चाहिए, भगवान के सामने झुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।